गाइज, रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम के लुक्स और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स निकल के आई हैं, जैसे में डॉक्टर ऑक्टोपस का कॉन्सेप्ट आर्ट और ग्रीन गॉब्लिन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और इवन तीनों स्पाइडरमैन का सूट। खैर, तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहना। मैं इस वीडियो में अभी तक जितने भी कॉस्ट्यूम से रिलेटेड लीक्स आई हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो आप इन तक ज़रूर देखना। गाइज, वैसे लीक्स तो कल ही आई थी, पर मैं थोड़ा पर्सनल कामों में बिजी था जिस वजह से मैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे एक भी वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि भाई लीक्स तो आती रहती हैं पर कौन सा रिलेटेबल है और कौन सा फेक, इसे जज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और रिसेंटली कॉस्ट्यूम लीक से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन भी रेडिट पर लीक हुई हैं, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लीक के जस्ट बाद ही कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट आर्ट भी ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिस पे मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे, तो ये सैम रैमी वाले ग्रीन गॉब्लिन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है। वैसे इसे पूरा सिमिलर तो नहीं रखा गया है, थोड़ा बहुत कॉमिक से रिलेट भी किया गया है और थोड़ा बहुत अपडेट भी किया गया है। जैसे में आप शोल्डर और बेल्ट को देख सकते हो जो गोल्ड कलर का है, और इसमें मास्क भी नहीं है। वैल ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रीन गॉब्लिन कोई मास्क पहनता है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ब्लैक गॉगल्स ही है। और फिर नेक्स्ट डॉक्टर ऑक्टोपस के कॉन्सेप्ट आर्ट पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्पाइडरमैन नो वे होम के फर्स्ट टीजर ट्रेलर में इसका लुक तो पहले ही क्लियर में देख चुके हैं, तो उस पर बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन फिर भी लीक्स हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फिर इस इमेज पर बात करें जिसमें टॉबे मैग्वायर के कॉस्ट्यूम को दिखाया गया है, जिसमें उनका सूट की फिटिंग टेस्टिंग हो रही है और इसमें एक आदमी भी है। और कुछ लोग का मानना है कि जब टॉबे मैग्वायर सूट टेस्टिंग के लिए गए थे तो ये उस टाइम का इमेज है। वैसे आई डोंट नो कि ये इमेज रियल है या फिर फेक, पर कुछ लोग का मानना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसके पीछे जो आदमी को आप देख रहे हो उसका नाम रियान मैनरिंग है, जो टॉबे मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन के समय में भी काम कर चुका है एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इमेज रियल हो। लेकिन लीक्स यहीं तक नहीं है, बल्कि एम्बर नाम के ट्विटर अकाउंट से ये कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्ट किया गया है जो टॉबे मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन का है, और एम्बर का मानना है कि इमेज रियल है। खैर, आप इस इमेज का डिज़ाइन याद रखना, क्योंकि इसके बाद एक लीक इमेज ये भी है जिसमें तीनों स्पाइडरमैन का सूट नज़र आ रहा है, जिसमें टॉबे मैग्वायर का भी है और एंड्रू गारफील्ड का भी और टॉम हॉलैंड का भी। और ये इमेज रियल है या फिर फेक, इस बात का कन्फर्मेशन किसी के पास नहीं है, पर देखने में तो रियल जैसा ही है, क्योंकि कोई भी इस तरह के फोटो शूट क्यों करवाएगा और तीनों स्पाइडरमैन का सूट एक साथ क्यों रखेगा। तो इस बात के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि इमेज रियल हो और ये इमेज सेट का ही हो। तो अगर ये इमेज रियल होती है तो कहीं ना कहीं स्पाइडरवर्स की कन्फर्मेशन भी हो जाती है। पर जैसा कि मार्वल का शुरू से प्लान रहता है कि लोग को डिस्ट्रैक्ट करो और रियल स्टोरी को कभी प्रेडिक्ट करने ही नहीं दो, तो आई थिंक ये लीक्स भी स्टूडियो की तरफ से हुआ होगा ताकि उनके बारे में सब मार्केट में बात करते रहे और हाइप भी क्रिएट हो। और जैसे कि आप सब जानते हो कि कुछ ही दिन बचे हैं इटर्नल्स को रिलीज होने में, और इटर्नल्स के बारे में लोग ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे और लोगों के बीच कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं है। खैर, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ भी पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।